नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदी .com। IPL सीजन 12 अभी शुरुआती दौर में है। IPL का जोश क्रिकेट फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। सभी टीमें अगले दौर में जाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। हर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी हीरो बनकर उभर रहा है। अपना पहला मैच हार चुकी विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस सीजन का दूसरा मैच रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी। RCB और मुंबई दोनों ही इस मैच के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह से निपटने के लिए RCB ने एक खास रणनीति बनाई है। बुमराह से निपटने के लिए RCB ने एक अन्य बुमराह को टीम में शामिल किया। बुमराह की घातक गेंदबाजी का सामना करने के लिए मुकेश कुमार को नेट पर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि मुकेश कुमार कर्नाटक अंडर-19 की टीम में खेल चुके हैं और पिछले 2 साल से बुमराह के एक्शन में गेंदबाजी करते रहे हैं। बुमराह के विचित्र एक्शन से अभ्यस्त हो जाने के लिए RCB ने मुकेश कुमार को RCB के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करवाई। मुकेश ने विराट, AB डिविलियर्स और मोइन अली सहित RCB के अन्य बल्लेबाजों को बॉलिंग दी। सभी ने मुकेश की गेंदबाजी पर जमकर प्रैक्टिस की। RCB की यह रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हिंदी। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।